हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा छठवीं की, हमारा अतीत फर्स्ट। ठीक है, बुक्स का क्या नाम है? हमारा अतीत एक। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात की थी क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा था क्या, कब और कहाँ और कैसे। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह से लेकर भोजन तक उत्पादन तक का सफर। तुषार की रेल यात्रा, तुषार एक लड़का है, इसकी यात्रा। याद रखिए, मैं फिर से कहूंगा कि इसे एक कहानी की तरह सुनिए कुछ, क्योंकि ज्यादा जो भी कठिन शब्द होंगे इसमें समझा दूंगा, और बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी गई है, सरल शब्दों में। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली गई थी। वहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो सार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं होती थी, क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके चाचा ने बोला। ठीक है, बात करते हैं आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं कि जो इस महाद्वीप उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक समूह के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण है इसमें कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाके में घूमते रहते थे। अन्य और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में मिलता है। एक भी कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में, जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां, मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले,
बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, देखिए ये औजार कुछ पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं ये किया गया इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जो है ये जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक, अब रहने की जगह निर्धारित करना। ला मानचित्र दो, लाल चित्र त्रिकोण वाले स्थान बेपुरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। कई पुरातत्व नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। देखिए ये है आपका खाद्य अखेटक और खाद्य संग्रहों के होने, फिर हुगी एक कुर्नूल गुफाएं हैं। ठीक, यह है आपके पुरा पाषाणिक पुरा स्थल। ठीक है जी, जो लाल त्रिकोण के हैं। फिर नव पाषाणिक पुरा स्थल की बात करें तो ये आपके नव पुरापा नव पाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है, हल्लू फियम पल्ली मेहरगढ़ बोरजहोम। ठीक है, पहले ये सभी पाकिस्तान नेपाल सभी म्यांमार भूटान बांग्लादेश सभी भारत के उपमहाद्वीप के हिस्से थे। ठीक, श्रीलंका। फिर बात करें हम लोग महापाषाणिक पुरास्थल के बारे में तो ये ब्रह्मा गिरी आंदी चन्नलूर। ठीक है, और फिर बात करें हम लोग आरंभिक गांव तो ये थे आपके इनाम गांव, और आधुनिक नगर की तो ये कोलकाता है जैसे। ठीक, आपकी ये नदी है गंगा नदी। ठीक है, ये ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा आपकी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक, ये आपका लक्षद्वीप सागर है, अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार। ठीक है, वहां की बात करते हैं हम लोग भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी? ठीक है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पत्थर मिल सकें। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया किया गया है। ठीक है, देखिए पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल ये जान लीजिए, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक, लेकिन याद रखिए पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें और जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं आग की खोज। मानचित्र दो में कुर्नूल गुफा देखी है आपने, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे विकास के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक, नाम और तिथियों की बात करें,
जिस काल में हम के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। प्रारंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों का, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ का यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रया इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत होती है 10,000 साल पहले से। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण का क्या मतलब होता है? कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज पिछले थे, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसकी क्या नाम रहे। नवपाषाण काल का मतलब है यहाँ और अच्छे औजारों का निर्माण होने लगा। खाद्य संग्राहक से खाद्य संग्राहक लोग हो गए, स्थायी निवासी हो गए कुछ लोग। ठीक है, पहले ये नहीं थे। ठीक है, इसे नवक्रांति भी कहते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, वारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए। उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। ठीक है, नवपाषाण काल तक आते आते कृषक बन गए। ठीक है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता था। ठीक है, कुत्ते का पूर्वज था जंगली। याद रखना है, पूछ लेता है कई बार तुम्हारे वन डे एग्जाम में, तो पूछता रहता है कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था, कुत्ते को। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के लिए, लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते थे जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनको गुड़ सुरक्षित रख सकें। उन्हें जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए।
मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई। सबसे प्राचीन फसलों में से है गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक नई नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदे। ठीक, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे जिनकी उनकी संख्या बढ़ती गई। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी जनसंख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो दूध का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों ने से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। अब बात करते हैं हम लोग आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। मानचित्र दो देखा ही आपने? क्या तुमने कभी कई नीले बर्फ देखे देख रहे होंगे। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थानों कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्दवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युग उपकरणों से भिन्न, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पहना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यह नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। ठीक है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये बर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए थे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुषों
और उस शिकार भोजन संग्रह करने का काम करते थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में मृत्यु जीवन मृत्यु, ये आपका मेहरगढ़ के घर का छत। ठीक, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार और उससे ज्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। वो लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। ठीक, मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे पल्लोक में मृतक के खाने के लिए भी रखा जाता है। इस तरह की आज भी कई मौत की घटनाएं इस तरह की चलती रहती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में इस तरह के कई अभी भी काम होते रहते हैं, इन मान्यताओं को मानते रहते हैं। कब देखिए, ये मेहरगढ़ की कब का चित्र, ये ठीक है, एक कब है, ये आपकी बकरी। अब बात करते हैं अन्य, फ्रांस में गुफा में कई की गई चित्रकारी। हमने एटलस में फ्रांस ढूंढो, ये चित्र फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले चार स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, वारे सिंगर, सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया था। फिर भी इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक, एक नवपाषाण स्थल, नवपा तुर्की, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में से कई चीजों लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकम पत्थर, लाल सागर की कोणिया, भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने उपयोगी शब्दों के बारे में देख लिया, आखेटक, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आपासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण और कम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से इन्हें लगाते रहिएगा अभ्यास के लिए। याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं आपकी। मध्य पाषाण युग रहा है 12,000 से 10,000 साल पहले तक, बसने की प्रक्रिया हुई थी यहाँ 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले, मेहरगढ़ में की बस्ती आरंभ 8,000 साल पहले। ठीक है, ये कुछ आपके क्वेश्चन दिए गए। ठीक, तो ये था हमारा आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। आगे बात करेंगे आरंभिक नगर के बारे में। ठीक, आरंभिक नगर,